नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। जीएसटी के बारे में हम सब जानते हैं, गुड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, और हम सब जानते हैं कि जीएसटी 2017 में कितनी मशक्कतों के बाद आया था और कितनी ज़्यादा चर्चा इस पर हुई थी। पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी कि जीएसटी लाया जाए, लेकिन अब बीजेपी सरकार सेंटर में है और बीजेपी सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया। अब जीएसटी 2017 से लागू तो हो गया, लेकिन अभी भी ये जीएसटी, जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ये जीएसटी ऐसा शब्द है, ऐसी टर्म है जो कई लोगों के समझ से अभी भी परे है। तो आज इसे भी सरल शब्दों में समझेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। इस तरह से जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। साल 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया। इससे पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई तरह के टैक्स लिए जाते थे, लेकिन अब जीएसटी के तमाम तरह के टैक्स को शामिल कर दिया गया है। इस आर्टिकल में हम जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि जीएसटी एक तरह का सर्विस टैक्स है, तो जाहिर तौर पर भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, और जो नागरिक टैक्स देता है वो इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन जीएसटी की मूल परिभाषा क्या है, ये अभी भी कई लोगों के समझ के परे है। तो चलिए वही आपको बताते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में हम इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि इस टैक्स को माल और सर्विस पर लगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा होगा, यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद कंज्यूमर को उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, जीएसटी पर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। जीएसटी पर हम आगे भी आपकी जितनी भी आशंकाएं हैं वो दूर करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें, हम बार बार ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी व्यूअर हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए जुड़ता है, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़ता है, उसका हर डाउट क्लियर हो। जीएसटी ने हालांकि काफ़ी कुछ आसान कर दिया है। पहले कुछ गड़बड़ियाँ थी, जिसके कारण बहुत ही टैक्स देना जो था वो एक गड़बड़ झाला सा लगता था, क्योंकि इतने सारे टैक्स होते थे। अब पहले क्या डीमेरिट्स थी उस पर नजर डालते हैं। पुरानी व्यवस्था में टैक्सों का मकरजाल बहुत गहरे तक फैला था। उदाहरण के लिए, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर लगता था उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। कई बार कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता था। यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगना था। इसके बाद जगह जगह चुंगियां अलग से। जब माल बिकने की बारी आई तो सेल्स टैक्स यानी वैट की मार, कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। सामान अगर विलासिता से जुड़ा है तो लग्जरी टैक्स अलग से। होटल्स या रेस्टोरेंट्स में वो सामान उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से। मतलब ये कि कंज्यूमर के हाथों में पहुंचने से पहले सामान या सेवा कई स्टेजेस पर कई ड्यूटीज या टैक्सेस से होकर गुजरती थी। इस तरह किसी सामान या सेवा के कस्टमर के हाथों में पहुंचने तक कई चरणों में अलग अलग रेट के कई टैक्स लग जाते थे, और यही वो कारण था जिसके चलते जीएसटी लाने की स्थिति बनी। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे, उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है। सबने अपने अपने हिसाब से नियम बना डाले और श्रेणियां तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स और कभी कभी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने के हालात भी बन गए। और ये अलग अलग टैक्सेस का जो गड़बड़ झाला था, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था छोटे व्यवसायी या फिर छोटे व्यापारियों को, जो छोटी मोटी कंपनीज में काम करते थे। अब ये तमाम जो टैक्सेस थे, जो ड्यूटीज़ लगती थी, इन तमाम चीज़ों को एक साथ कर दिया गया और जीएसटी लगाई जाने लग पड़ी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कह रहे हैं। इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है जो माल एवं सेवा दोनों के प्रोडक्शन से लेकर सेल तक पर लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का ये पेच खत्म करने के लिए जीएसटी का एक आधार तय कर दिया गया, जिससे ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई। इसके लिए बकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया। संसद में बकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके कारण जीएसटी कानून पारित होने में इतना लंबा समय लग गया। अब बात करते हैं जीएसटी के मेजर फीचर्स की। मैन्युफैक्चरिंग के बजाय उपभोग पर टैक्स।
जीएसटी टैक्स सेवा या वस्तु इस्तेमाल करने वाले को देना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। मतलब ये कि दुकानदार जब कोई सामान देगा तो उसमें जीएसटी को अलग से लिखकर बताएगा। जो भी खरीदार होगा उसे जीएसटी को मिलाकर पूरा पैसा देना होगा। सर्विस टैक्स के मामले में आपने ऐसा ही देखा होगा। मोबाइल के बिल में साफ साफ सर्विस टैक्स अलग से लिखा होता है, लेकिन सर्विस टैक्स को छोड़ तमाम दूसरे मामलों में खरीदार को पता ही नहीं होता था कि किसी प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगा है। जीएसटी लगने से अब आपको पता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगा है, क्योंकि सरकार ने इसकी दरें पहले से ही तय कर दी। टैक्स क्रेडिट सिस्टम, ये तो हम सब जानते ही हैं कि किसी सामान को बनने में, मैन्युफैक्चरिंग होने में और कस्टमर तक पहुंचने में कई सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। कई दफ़ा सामान बेचा जाता है, कई दफ़ा सामान खरीदा जाता है, यानी कि एक बहुत लंबी चेन है ये। अब जीएसटी के नियमों के मुताबिक सप्लाई चेन में हर खरीद बिक्री पर तय टैक्स देना होगा। तो क्या हर स्तर पर टैक्स लगने से चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी? जरूर महंगी हो जाती अगर टैक्स क्रेडिट सिस्टम नहीं होता। इस सिस्टम में सप्लाई चेन का हर अगला खरीदार अपने से पहले वाले विक्रेता के द्वारा दिए गए टैक्स के वापस पा जाता है। जीएसटी सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था है। अगर आप अंतिम या वास्तविक कंज्यूमर नहीं हैं और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है तो ये आपके खाते में वापस हो जाएगा। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। टैक्स क्रेडिट सिस्टम आखिर है क्या, इसको अलग से हमने नीचे मेंशन किया है, जरूर देखिएगा। टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। अब पहले के सिस्टम में क्या होता था कि सिर्फ ढेर सारे टैक्स ही नहीं लगते थे, बल्कि टैक्स पर टैक्स लगते थे, क्योंकि एक या दो तरह की अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग तरह का टैक्स लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी ने डिपॉजिट किया है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम में वापस यानी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये टैक्स क्रेडिट आखिर मिलेगा कैसे, तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। जीएसटी तो सब ने अदा किया, पहले होलसेलर ने, फिर रिटेलर ने, फिर कंज्यूमर ने। तो फिर जो पहले बताया गया कि सिर्फ कंज्यूमर जीएसटी अदा करेगा, उसका क्या फंडा है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल होलसेलर और रिटेलर ने अपनी बारी में जो जीएसटी जमा किया था उसे वो आगे चलकर टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार से वापस पा सकता है। जीएसटी का मंथली रिटर्न भरते समय वो इसे अपने ऊपर बन रही देनदारी में एडजस्ट करा सकता है। ये जो टैक्स के एडजस्ट होने की प्रक्रिया है इसे ही जीएसटी में टैक्स क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया है। इस टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदा बीच के स्टेजेस में आने वाले व्यवसायी तभी उठा पाएंगे जब उनके पास उन स्टेजेस पर की गई बिक्री की रसीद हो, क्योंकि जो खरीदार होगा उसकी भी रसीदें सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद होंगी और जिसने बेचा है उसकी भी। और जब दोनों स्तर की रसीदों का मिलान होगा तभी बीच वाले व्यवसायी को टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा। कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम बिलिंग एट ईच स्टेज। जीएसटी में सेल्फ मॉनिटरिंग काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। सेल्फ मॉनिटरिंग की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद मॉनिटर करना है कि आपने कितना बिजनेस किया। अब इसकी जानकारी आप ऑनलाइन रख सकते हैं कि आपने कितना व्यवसाय किया, आपने कितना सामान बेचा, और जिसको बेचा वो भी रसीद रखेगा और जिसने बेचा उसके पास भी रसीद होनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये जब दो रसीदों का मिलान होगा उसी से टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा। कहीं भी सौदों का मिलान ना हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। सौदों में जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी हर स्टेज पर ऊपर वाले कारोबारी के होने से टैक्स की चेन नहीं टूट पाएगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपना टैक्स क्रेडिट का नुकसान नहीं चाहेगा। टैक्स रेट पर मनमानी नहीं। पहले राज्य सरकारें क्या करती थी कि हर प्रोडक्ट पर अपने राज्य में अपनी मनमर्जी से उसका टैक्स लगा देती थी, उस पर टैक्स लगा देती थी। यही नहीं, उसका रेट भी अपनी मनमर्जी से तय कर दिया जाता था। लेकिन जीएसटी आने से ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के प्रावधानों में या रेट में किसी तरह के चेंजेस के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों ये वीडियो तो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को हटाया है और कौन से वर्ग के व्यापारी के लिए कौन सा जीएसटी फायदेमंद है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।